अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। जी हां, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, लखीमपुर खीरी मामले में जो कि 3 अक्टूबर को तिकोनिया में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी, और उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मामले के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, लखीमपुर खीरी मामले में आज उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, और ये मामला आज ऐसे समय पर हुआ है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग हो रहा है। इस आदेश के बाद इस वोटिंग पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है, जहां बीजेपी वाले उत्साहित हो सकते हैं, वहीं विरोधी जिस प्रकार से किसानों का मामला उठा रहे थे, वो विरोधी इसे अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी के विरोध इस मामले को ले सकते हैं और बीजेपी के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा या विरोधियों को, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसे जानने के लिए आप बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ, और 10 मार्च को रिजल्ट आने तक तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।